क्या आई एम वेरी सॉरी इतना लंबा गैप पड़ गया, कोई नियर वन ज्यादा सीरियस थे सीएमसी हॉस्पिटल में रहे क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। काफी कुछ हो गया ये आप देख रहे हो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब एग्जाम होना था तब भी कुछ लोग अधिक लोग चिंता में ही थे, सारे लगभग चिंता में थे, लेकिन एग्जाम हो चुका है, कईयों की सिलेक्शन हो चुकी, कोई वेट कर रहा है, कोई नॉट सिलेक्टेड है, चिंता में सारे हैं। चिंता में जिंदगी इतनी व्यतीत नहीं करनी, 20 साल निकाले हैं, 10 साल, किसी ने 5 साल निकाले हैं, तो हमने अपना जो राइट एक्शन लेना होता है वो जरूरी होता है और जिंदगी को पॉजिटिव नजरिए से देखोगे तो जिंदगी बेहतर बनेगी। अदरवाइज परमानेंट जॉब आने के बाद भी अगर नेगेटिव नजरिया रहा तो जिंदगी अच्छी नहीं होगी। हमने जिंदगी का ज्यादा सोचना है, एक फैक्टर उसमें से हमारी जॉब की परमानेंसी है, उसके लिए हम मानते हैं कि ये बात ठीक है। जो लोग सिलेक्टेड है वो भी अब देखिए चिंता में है कि क्या होगा तो जो वेटिंग में है वो कोर्ट में जा चुके हैं, ये वाले भी कोर्ट में जा चुके हैं, कोर्ट में हियरिंग है 13 को 20 को, और नेक्स्ट फैक्टर है कि 20-30 या इससे एक दो हफ्ते के बाद लग जाएगा कोर्ट। तो ये तीन फैक्टर हैं, ये कुछ लोग सोच रहे हैं कि ये पॉजिटिव डिसीजन आएगा, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव, इसमें अब ये एक के लिए पॉजिटिव है दूसरे के लिए नेगेटिव है, एक के लिए नेगेटिव है तो दूसरे के लिए पॉजिटिव है। देखिए हमें डिवाइड कर दिया जा चुका है, साइकोलॉजिकली हम एक युद्ध की स्थिति में खड़े हो गए हैं हम एक दूसरे के विरोधी बन गए हैं, कभी हम साथ साथ हैं, कभी हम विरोध में हैं। ऐसे नहीं जिंदगी को जीना, थोड़े खुले नजरिए से देखना है। चलो खैर मैं शायद सिचुएशन में हूं इसलिए बातें कर रहा हूं, लेकिन मैं भी चलो अच्छा रिट्स देखिए अब तक 200 से ज्यादा हो चुकी है हाई कोर्ट में। तीसरा फैक्टर ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक भी ये केस जा सकता है। ठीक, तो अगर पॉजिटिव होता है यहाँ पर 13 तारीख को, फिर पॉजिटिव यहाँ होता है, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव क्या है कि सिलेक्टेड के लिए, वो नेगेटिव होगा इनके लिए। फिर अच्छा अगर इनके लिए नेगेटिव होता है तो उनके लिए पॉजिटिव होने की संभावना है। ये स्थिति बड़ी एक कहानी याद आ रही है, वो कुमार वाली की एक बेटी थी, वो कुमार के घर में उसका विवाह हो गया, दूसरा जमींदार के में, एक के जाता है कहता वो बेटी बड़ी खुश है, कहती हाँ बर्तन बन गए अब कहीं बारिश ना हो जाए, तो दूसरी जो जमींदार है उसके जाता है वो भी बहुत खुश है, कहती बहुत खुश हूं मैं, बस अब बरसात हो जाए तो फिर बल्ले बल्ले है। तो फिर वो परमात्मा पर छोड़ देता है कि एक अगर बरसात होगी तो एक बेटी दुखी है तो दूसरी नहीं होगी, अगर नहीं होती तो एक बेटी दुखी है दूसरी सुखी है, तो लास्ट में वो मेरे ख्याल में उस पर छोड़ देता है ऊपर वाले पर। तो ये सभी अपने हैं, मैं अभी भी सभी को अपना समझ के चल रहा हूं, तो कुछ बातें हैं आपको उस पर छोड़ देनी होती है, वो करेगा हाँ, लेकिन अपना युद्ध भी लड़िए, संघर्ष भी, कोर्ट में जाना है, लीगल असिस्टेंस लेनी है, जो भी लेना है वो लीजिए, लेकिन इसके लिए फंडामेंटल कॉज जरूर देखिए। मैं एनालिस्ट हूं, मैं एनालिसिस सिर्फ आपके सामने फैक्टर रख रहा हूं, लेकिन करना सब कुछ आपने है। तो ये हम ऐसे युद्ध की स्थिति में आ कैसे गए, हम साइकोलॉजिकल एक वार चल रही है, हमको एक अपने ही जो असिस्टेंट प्रोफेसर दोस्त से अब दुश्मन क्यों लग रहे हैं, है ना। तो अगर ये मतलब फैक्टर ये है कि डिले के चांसेस हैं, और जो हो चुका है उसका एनालिसिस साथ साथ में होता रहा है कि उसमें मेन फैक्टर ये रहा है कि करप्शन तो नहीं होगी, चेक एंड जैक नहीं चलेगी तो नहीं चलेगा, ऐसी बातें हो रही थी, तो उसके रिजल्ट भी सामने आए हैं, जो जहां पर एरर एडमिनिस्ट्रेशन को पता चली है, लगी है उनको कि यहाँ गड़बड़ थी, वो देखिए पेपर वो पंजाबी की आपके सामने खबर है कि वो उनकी कोई अपॉइंटमेंट लेटर या उनको कोई इंटरव्यू के लिए नहीं, कुछ भी नहीं हुआ उनका, और उनके लिए ये विशेष है कि उन वो तैयार रहने चाहिए,
वो तो इतना इनजस्टिस हुआ था, जैसे हरप्रीत सिंह जी थी एक, के वो कहते थे कि मैं 10 साल उन्होंने यूजीसी की कोचिंग दी है और वो श्योर थे कि वो लगभग टॉप में आएंगे ना मेरिट में, तो मेरे ख्याल में उनकी सिलेक्शन तक नहीं हुई। तो इतना अनजस्ट पेपर डाला गया जहाँ वो समझते हैं कि ये हुआ, तो उनके लिए अब ऐसे कैंडिडेट्स के लिए चांस है। कुछ लोग तो ऐसे थे जो ये चाहते थे कि हम मोनिटरी पर्पस के लिए जॉब नहीं करनी, हमने हमने अच्छे कंट्रीब्यूशन करनी है। बहुत कम परसेंटेज होती है ऐसे कैंडिडेट्स की। एक अमृतसर के थे जो 1 लाख के 90 के प्लस सैलरी ले रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ऐसे रूल बने हुए हैं जो हमारे सामने नहीं आते, जैसे उनकी पे प्रोटेक्शन नहीं हो रही थी, वो रूल इतने गंदे रूप से चेंज कर दिए गए कि बंदा इतना डेडिकेटेड होके ये नहीं सोच पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा कि मैं इतनी मतलब अच्छा टीचर बनना चाहते हैं वो, कि अगर पे प्रोटेक्शन हो तो डिसीजन फाइनल है, लेकिन रूल ऐसे है कि पे प्रोटेक्शन पंजाब गवर्नमेंट ने पिछली ने बिल्कुल ऐसे खत्म कर दिया है ना। तो वो इतने डेडिकेटेड हैं क्योंकि वो जितनी गरीबी में से निकल के पढ़े हैं, उनके टीचर ने जिन्होंने फीस ली थी, वो तभी से मोटिवेटेड है कि मैंने हायर एजुकेशन में जाके टीचर बनना है। और वो देखिए सैलरी भी छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे लोग भी हैं इतने डेडिकेटेड, तो ऐसे लोग आगे आएंगे, टीचर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा, नेचुरली पंजाब की ग्रोथ होगी। तो ऐसे कैंडिडेट आगे ना आने के कारण जो है, गवर्नमेंट के रूल जो है जो हमारे सामने नहीं आते, वो बहुत मीनिंगफुल है, लेकिन हमारा जो ध्यान है सभी लोगों का वहां नहीं जाता। इतनी जो डिवीजन हो चुकी है हमारी, जो हम एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में पड़ गए हैं, और जब वोट डालनी होती है हम डिवाइडेड होते हैं कास्ट में, जेंडर में, रिलीजन में, लैंग्वेज में। तो मेरे ख्याल में ऐसा हमको कम से कम टीचर्स को नहीं चाहिए होना। अच्छा, हम सेल्फिश मोटिव से भी अगर देखें, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा सब कुछ क्यों हो गया, बेसिक कारण क्या था, तो कारण आप 20 साल का इतिहास पंजाब का देखिए, हर 5 साल हम किसी गवर्नमेंट को सिलेक्ट करके देते आ रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए कुछ करिए, लेकिन 4.5 साल तक डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट किसकी होती है? सेल्फ की होती है, पंजाब की स्टेट की नहीं होती, एस की होती है, सेल्फ की, एस की नहीं होती, स्टेट की नहीं होती। तो 4.5 साल चुप है, 6 महीने में एक प्रचार होता है, हम उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर हम 5 साल दे देते हैं, 4.5 साल फिर हमारा खून चूसा जाता है, फिर 6 महीने उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर 5 साल हम दे देते हैं, लेकिन 4.5 साल फिर उनकी डेवलपमेंट होती है, 5 साल फिर देते हैं, फिर उनकी डेवलपमेंट होती है। देखिए हमें भी समझ नहीं आ रही कि हमें किसको चुनना है। अगर इतनी अनसर्टेंटी इतिहास में हमारे पंजाब के बनी रही है, बाकी स्टेट में हर साल में रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती रही हैं, तो हमें उन लोगों को आगे लाना चाहिए जो एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, इस पर आपके सामने एक दो फैक्टर रखूंगा, शायद आपको पता होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है, देखिए एक बार पहले ये देख लीजिए रैंक कितना है। इंडिया का रैंक 131वां रैंक है यूनाइटेड स्टेट ह्यूमन राइट डेवलपमेंट इंडेक्स की, ये स्टेटमेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया में शायद पब्लिश हुई है ये न्यूज़पेपर में। और एक ये है कि ये 129 में थे हम, दो देश और हमारे से आगे 1 साल में निकल गए हैं। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यहां शेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 बातें, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो इवेल्युएट होता है हर कंट्री का। तो हमसे 130 देश आगे हैं, हमारा इतना बुरा हाल स्पष्ट है, लेकिन ऐसे रैंक आपके आगे नहीं रखे जाएंगे। अगर हम ऐसे पर्सन चुनते हैं, क्योंकि इस स्टेज में खड़े हैं कि फिर वो 5 5 5 20 साल गुजार चुके हैं, कि हम ऐसे शख्स चाहते हैं जो एजुकेशन को प्रायोरिटी दे, एजुकेशन में प्रायोरिटी होगी तो हर साल ये जॉब निकलेगी, तो हम ऐसे साइकोलॉजिकल एक वार की स्थिति में, डिवीजन में खड़े नहीं होंगे। हर ग्रुप को, यूनियन को अपना जस्टिस लेने के लिए, देखिए कितने महीनों से वो जो स्कूल के टीचर हैं वो चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, तो कितने लोगों ने कितने भूख हड़ताल कितना की कुछ कर लिया है,
तो अगर अच्छी सोच वाले शख्स जो एजुकेशन को प्रायोरिटी देंगे तो इतना इनजस्टिस नहीं मिलेगा. दैट इज इट इज राइट टाइम टू थिंक अबाउट टू चूज द राइट पर्सन. तो वो आपने चुनना है, वो पर्सन को चुनोगे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेस पर काम करता है, हमारी हेल्थ के लिए काम कर रहा है, एजुकेशन के लिए, इकोनॉमी के लिए काम करेंगे. अच्छा, इनको भी छोड़ दो, छोड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं. तो एजुकेशन को प्रायोरिटी देने वाली गवर्नमेंट अगर चुनोगे तो अच्छे रूल बनेंगे. अगर ऐसा होता है कि ऐसी गवर्नमेंट आ जाती है तो ये अनसर्टेनिटी जो बनी हुई है सर्टेनिटी में तब्दील हो सकती है. दूसरा, अगर आप फिर वैसी ही गवर्नमेंट को जो काले रंग से लिख के आया हूं पीछे में, वो काला रंग मैंने नहीं दिया, काला रंग जो था खुद ब खुद आ गया, जो जैसे डिजर्व करता है. तो फिर हम 5 साल और 25 साल हो जाएंगे गवर्नमेंट जॉब, फिर बेशक वो हाई कोर्ट का डिसीजन हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो, फिर लागू कुछ भी नहीं होगा. आपको पता है जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिला, वो सुरजीत पात्र साहब लिखते हैं ना, इस अदालत च बंदे बिरख हो गए, फैसले सुन दिया सुक गए, आखो इना नु उजड़े घरी जान हूं, इत्थे आखर कदों तक खड़े रहेंगे. ये लास्ट शेर है उनका, ए भी शायद मेरा अपना वहम है, कोई दीवा जगेगा मेरी कब्र ते, जे हवा ए रही तो कब्रा उत्ते तक ही, सब घरा तो भी जीवे बुझे रहेंगे. सो दीवे ना बुझे रहन, दीवे फिर जगन, जहन दे दीवे जरूर जगन, एजुकेशन दे दीवे, हेल्थ दे दीवे, और जो इकोनॉमी दे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे दीवे जगन, साढ़े पंजाब विच जगन, तुसी अच्छी अपने पोस्ट पे जाके कंट्रीब्यूट कर सको. इसलिए ये सारे फैक्टर नू मद्देनजर रखते हुए पॉजिटिव सोच के अच्छे कैंडीडेट नू भी सिलेक्ट करो, अपने लिए युद्ध भी करो, लेकिन युद्ध विच अपने आनू पराया ना समझ बैठो. अपने आनू ते जो कुछ लोग तुहाडे साथ ने, विशेष करके एक खास शख्स तुहाडे नाल ने वो हर वक्त यही कहंदे ने, हर मोड़ ते सलीबा, हर पैर ते हनेरा, फिर भी असी रुके ना, साडा भी वेख जेरा, पत्थर ते नक्श हां मैं, मिट्टी ते तां नहीं हां, जिन्ना किसे मिटाया हुंदा गया डंगेरा. उस शख्स वांग इस तरह मोटिवेटेड रहना है, जिस मर्जी स्थिति विच हो लाइफ नू अच्छे नजरिए ना देखना पैना है, क्योंकि एक ना एक दिन तां मर जाना है, भावें अडहॉक वाले होण ते भावें ठीक. कोई कमेंट होवे कर सकते हो, गैप लई मैं माफी मंगदा हां. थैंक यू.